नमस्ते, मैं KGMC में के लिए हूँ। मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ, गाज और पैट और गेंजी कैसे बनाई जाती है। लोग डेशिंग करा के घर छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं, घाव थोड़ा सा रह जाता है तो अपने वहाँ दिक्कतें होती है। इसलिए घर पे जाए और डॉक्टर साहब से पूछते हैं मैं कैसे पैड और गेंजी बनाऊँ। और डेशिंग पक्की हुई गेंजी लगाने से और पैड बांधने से अच्छे तरीके से उसको बेस्ट रहता है और मरीज के जल्दी से जल्दी घाव ठीक होने का, गंदी कोई चीज़ लगा नहीं सकते उस पर और फालतू चीज़ें उस पर इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा डर रहता है। तो मैं आज आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, आपको पैट गेंजी गाज आज बनाना सिखाऊंगा कैसे बनती है गाज और पैटी और गेंजी गाज। ये एक गाज है, इसको 6 इंच गोल से एक गोल से ऐसे ये नाप के ये काट लिया जाता है। मैं इसको एक काट चुका हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। ये कॉटन लेते हैं और कॉटन खोल के पूरी तरीके से ये खोल जाता है कॉटन को, उसके रैपर को भी हटा के ये मैंने उसके रैपर को भी हटा दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ये कॉटन को ये फालतू की चीज़ें होते हैं इसको बराबर से मैं काट देता हूँ। ये देखिए ये फालतू चीज़ हटा देता हूँ, ये एकदम बराबर हो गया। कॉटन को पूरी तरीके से फैला लिया जाता है, कॉटन पूरी तरीके से फैल दीजिए, पूरी तरीके से फैल दीजिए। अब कॉटन बहुत मोटा होता है कोई कोई, तो उसको मैं इसको दो भागों में बांट लिया जाता है कि इसमें आगे चल के और भी पैड गेंद भी सब बन सके। कि दो इसके परत कर लिए जाते हैं, दो परत इस तरीके से, देखिए इस तरीके से दो परत धीरे धीरे हमने हटा लिया जाता है, कॉटन को टूटने ना पाए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे देखिए ऐसे ऐसे कॉटन को ये हमने हटा दिया। फिर इसको चुप्पे से किनारे साइड में एक किनारे ये रख दिया, ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर, अब मैं आपको बता ही चुका था मैं रोल इसका बना चुका हूँ गाज का, तो अब मैं इसको गाज को इस तरीके से मैं बिछा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने बिछा लिया, उसके बाद फिर मैं इसको रोल खोलता हुआ चला जाता हूँ, बिछा के फैलाते हुए रोल को बिछाते हुआ चला गया। जब मैंने इसको इस तरफ बिछा लिया, अब मैं क्या करना है, मुझे इसको ऐसे ये पकड़ना है ऐसे और ये इस तरह की घुमा देना है, ये इसको ऐसे घुमा देना है, इसको भी ऐसे घुमा देना है। जब मैंने इसको पूरी तरीके से घुमा दिया अच्छे से, अब इसी को मैं इसके ऊपर ऐसे करके और ये रोल को मैं घुमाता हुआ फिर से ऐसे करता चला जाऊँगा। आप लोग भी ऐसे घर पे करके ये देखिए, ये मैंने ये बना लिया। उसके बाद मैं इसको कैंची को ऐसे बीच से मैंने इसको कैंची से काट लिया। अब मुझे पैड बनाना है, पैड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये पूरा तैयार होगा। इसको पैड बनाने के लिए ऐसे ही मोड़ लिया जाता है, ये मोड़ लिया, मोड़ने के बाद फिर ऐसे इस तरफ से फिर इसको भी ऐसे मोड़ लिया, फिर ऐसे भी इसको ऐसे मोड़ लिया, इसे इसको मोड़ लिया। जब इसको मैं पूरी तरीके से मोड़ लेता हूँ, मोड़ लिया जाता है, तो फिर इसको पैड बनाने के लिए अब इसको काटना शुरू किया जाता है, ऐसे ऐसे काटना शुरू।
से बढ़ाते हुए चीजें चलते चले जाते हैं। अब मैंने ये पैड, मेरे पैड तैयार हो गए हैं। इसको ये पैड तैयार करने के बाद इसको इसे गड्डी बना ली जाती है, ऐसे ऐसे करके गड्डी, ये पैड ऐसे ऐसे गड्डी बना के ये गड्डी बन गई। इसको साइड में कर दिया जाए। अब बनाना है मुझे गेंजी। गेंजी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो मैंने इसको ही रोल पे ये बनाया हुआ था उसको ऐसे खोल लिया जाता है। खोलने के बाद इसको पूरी तरीके से फैला लिया जाता है। फैलाने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, इसको अब मुझे इसको दो भागों में, इसको मुझे दो भागों में इसको करना पड़ता है। ठीक, अब मैंने कैंची ली, इसको दो भागों में मुझे करना है। ये मैंने इसको दो भागों में कर लिया। अब मुझे इसको गेंजी कैसे बनानी है, इसको गेंजी बनाने के लिए ये रोल को ऐसे ये पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे ये रोल बनाते हुए सीधे चलते चले जाना है। ये रोल पट्टी लंबी होती है, घाव बड़ा होता है, तो गाँध जगह जगह पे नहीं लगा सकते हम, पैड जगह जगह पे नहीं लगा सकते, तो इसकी जगह पे मैं ये गेंजी काम आती है कि रोल लपेटते हुए चले आते हैं उसकी जगह पे। ये आपकी गेंजी तैयार हो गई है, पैड गेंजी आपकी तैयार हो चुकी हुई है। आपको मैं सिखाना है मुझे गौज, गौज कैसे बनती है। आप 6 इंच की पट्टी लेंगे, दो डोरी, इसको रैपर को इसके फाड़ेंगे, इसके तो रैपर को फाड़ के इसको ऐसे फैला लेते, जोड़ के ऐसे कर लिया। जब मुझे ये बराबर सब हो जाते हैं तो इसको ऐसे ऐसे कर जाते हैं। जब ऐसे हो जाते हैं तो मुझे ऐसे ये ऐसे काट लिया, फिर इसको ऐसे कर लिया, फिर इसको ऐसे कर लिया। यह आपकी बन गई काज। ये तीनों चीज़ें आपको मैंने बता दी है अच्छी तरीके से, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे बनती है। अब घर बैठे ही काम अपना कर सकते हैं और अपने घर में ही पट्टी अपनी पेशन की ठीक कर सकते हैं। और लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निवेदन करता हूँ कि दिखाइए और बताइए और लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।